हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे से होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी और आप सभी इंजीनियर्स जिस सिलेबस का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वह सिलेबस आखिरकार RSM SSB ने रिलीज कर ही दिया है और एग्जाम डेट्स तो पहले से ही दिसंबर में अनाउंस कर दी गई है। आपको अगर सिलेबस चेक करना है तो आप RSM SSB की वेबसाइट पर जाकर न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन में JN 2020 सिलेबस JN 2020 वेरियस ब्रांचेस के लिए जो दिया गया है उसको आप देख सकते हो। ठीक है, तो हम चलते हैं सीधा सिलेबस की ओर बिना इंतजार किए और सिलेबस चेक करते हैं। सो सिलेबस को चेक करते हैं, सिलेबस में क्या दिया गया है। सभी ब्रांचेस में आपको ध्यान देना पड़ेगा, एक ही चीज़ कॉमन है जो ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे पास हर ब्रांच में दो पार्ट दिए गए हैं। सिलेबस में जो एग्जाम स्कीम होगी उसके लिए दो पार्ट होंगे, एक पार्ट ए होगा भाग अ और एक पार्ट बी होगा भाग ब। तो पार्ट ए में हमारे पास जो 2016 का सिलेबस था लगभग वैसा ही हमारे पास सिलेबस इस बार भी दिया गया है सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, डिग्री और डिप्लोमा दोनों के लिए। तो पार्ट ए में आपको राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान जियोग्राफी के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर दो पार्ट जो है, पार्ट ए जो है राजस्थान GK का है, 40 मार्क्स का होगा और पार्ट बी टेक्निकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो 80 मार्क्स का होगा। टोटल हमारे पास टोटल मार्क्स होंगे 120 मार्क्स और 2 आवर्स का होगा। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके पास ये जो होगा पेपर ऑब्जेक्टिव तो होगा ही, साथ ही साथ आपको ये ध्यान देना है कि जब ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करो तो आपके पास पास जो मार्क्स अवेलेबल होंगे कट ऑफ के लिए वो कम से कम 40% से ज़्यादा आना चाहिए। ये लिखा गया है कि परीक्षा में न्यूनतम निर्धारित उत्तीर्णांक अंक 40% से ज़्यादा होने चाहिए। तो अब देखते हैं सबसे पहले पार्ट ए में हमारे पास क्या दिया गया है जो सभी ब्रांचेस में सेम रहेगा लगभग। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है सबसे पहले आपके पास राजस्थान का आर्ट कल्चर हिस्ट्री और ये दिया गया है और इसमें आप टॉपिक्स देख सकते हो, टोटल हमारे पास 17 टॉपिक्स है और इसको आप वन बाय वन आप चेक कर सकते हो। दूसरे पार्ट में हमारे पास इसी पार्ट ए में रहेगा राजस्थान का भूगोल स्थिति एवं विस्तार से लेके खनिज संपदा तक हमारे पास ये टोटल 16 टॉपिक रहेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सिविल इंजीनियरिंग के डिग्री के सिलेबस में, उसमें बिल्डिंग एंड टेक्नोलॉजी BMC रहेगा फर्स्ट सब्जेक्ट, दूसरा FM रहेगा, तीसरा सब्जेक्ट हमारे पास सर्वेइंग एस्टिमेटिंग कोस्टिंग, ये रहेंगे दो अलग अलग सब्जेक्ट है। और उसके बाद हमारे पास इरीगेशन हाइड्रोलॉजी ये पार्ट रहेगा, टॉस एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर एनालिसिस, सॉइल मैकेनिक्स, फाउंडेशन इंजीनियरिंग और RCC डिजाइनिंग, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर एंड कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी RCC का जो पोर्शन है वो रहेगा। और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट ऑटोकैड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसके बारे में भी कुछ पार्ट रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास डिग्री का सिलेबस। सिमिलरली डिप्लोमा वालों के लिए भी हम चेक कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए भी पार्ट ए और पार्ट बी सेम रहे। पार्ट ए का जो हमारे पास राजस्थान GK का पोर्शन है वो सेम रहेगा, लेकिन पार्ट बी में वही 2016 सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास बिल्डिंग टेक्नोलॉजी BMC का पार्ट, सर्वेइंग एस्टिमेटिंग कोस्टिंग का पार्ट, उसके बाद हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट, RCC इरीगेशन हाइड्रोलॉजी वाला पार्ट और सॉइल इंजीनियरिंग सॉइल मैकेनिक्स और ऑटोकैड जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये 7 पॉइंट रहेंगे सिविल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए। उसी तरह आप ये जो PDF है हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, मैकेनिकल डिग्री के स्टूडेंट भी अपना सिलेबस चेक कर सकते हैं और डिप्लोमा के स्टूडेंट भी अपना सिलेबस चेक कर सकते हैं। अब जो हमारे लिए नई बात है वो इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए नई बात है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का 2016 में वैकेंसी नहीं था। तो इस बार कैसा जो इन्होंने सिलेबस दिया है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो सिलेबस दिया गया है इलेक्ट्रिकल का, सीधा इलेक्ट्रिकल की तरफ मूव करते हैं। इलेक्ट्रिकल डिग्री देखिएगा, यहाँ पर भी दो पार्ट है इसमें, पार्ट ए जो है वो कॉमन रहेगा 40 मार्क्स का, पार्ट बी जो है हमारे पास वो 80 मार्क्स का टेक्निकल पोर्शन रहेगा। और टेक्निकल में डिग्री में इलेक्ट्रिकल में सार लगभग सारे सब्जेक्ट दे दिए गए हैं। आप चेक करोगे तो इलेक्ट्रिकल सर्किट, EMFT, इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, EDC, कम्युनिकेशन का छोटा सा पार्ट दिया गया है जो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन EDC एनालॉग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट दिया गया है, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन वेरी इंपॉर्टेंट, पावर सिस्टम और पावर सिस्टम के साथ साथ जो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का अलग पार्ट रखा गया है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी तरह हम डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए देखते हैं। तो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए पार्ट ए तो सेम रहेगा सभी ब्रांचेस के लिए, चाहे मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो या सिविल हो।
लेकिन पार्ट बी में वो टेक्निकल थोड़ा सा कम कर दिया गया है, बेसिक कंसेप्ट डाला गया है, सर्किट लो रखा गया है, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल मेजरमेंट, दिस इलेक्ट्रिकल मशीन को थोड़ा एलेबरेट करके बताया गया है, यहाँ पर सिंक्रोनस मशीन को अलग रखा गया है, जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन डिप्लोमा वालों के लिए अलग से यहाँ पर यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट डाल दिया गया है। ठीक है, तो ये रहेगा हमारे पास इलेक्ट्रिकल का सिलेबस। और हमारे पास जो अलग डिग्री है यहाँ पर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का जो कॉमन पार्ट है उसके लिए जो है उसका भी सिलेबस दिया गया है। तो इस तरह से आप सारे सिलेबस इस पीडीएफ में चेक कर सकते हो। तो अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे पास आरएसएम एसएसबी की यह वैकेंसी सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जितने भी इंजीनियर्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज गवर्नमेंट जॉब है और इसमें आप पूरा जी जान लगा कर जुट जाइए, अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। अब आपको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी आई थिंक सो, बिकॉज आपका जो जॉब पाने का पैशन है वही आपको हर समय जगह देगा। इसमें आपको हमारी तरफ से किसी भी टाइप की कोई हेल्प चाहिए, लाइक स्टडी मटेरियल, नोट्स, प्री टेस्ट सीरीज, डिटेल कोर्स भी हमारी ऐप पे अवेलेबल है। तो आप क्या कर सकते हो, प्ले स्टोर में जाके इंजीनियर्स वेब इंस्टीट्यूट टाइप करके हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर सकते हो, हम डायरेक्ट लिंक दे देंगे, वहाँ से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। अभी हमने इसके लिए आरएसएम एसएसबी जेई के लिए फ्री टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियरिंग दोनों ब्रांचेस के लिए। तो आप वहाँ पर आके अपने आप को प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने जो सिलेबस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट तैयार होते जाए उनको आप तैयार कर सकते हो। साथ ही साथ आउटर स्टूडेंट्स जो है, राजस्थान स्टेट के बाहर वाले स्टूडेंट हैं, उनको अगर राजस्थान जीके में दिक्कत आती है तो वो राजस्थान जीके का भी एक हमने सेपरेट कोर्स पहले से ही स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि हमें अनुमान था कि यह 2016 का सिलेबस ही सेम रहेगा। तो आप उसको आके ज्वाइन कर सकते हो जिससे कि आपका वह प्रोफेशन भी स्ट्रॉन्ग हो सके। तो जिनको टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, आरएसएम एसएसबी का इलेक्ट्रिकल या सिविल ब्रांच में कोर्स भी ज्वाइन करना है तो भी वो हमारी ऐप पे आके ज्वाइन कर सकते हैं। सो फाइनली ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड कर लीजिए, फिर मिलते हैं हमारी ऐप पर। और साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आपके और भी कोई डाउट है या कमेंट है तो आप इसके वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और एक और बात हम बताना चाहते हैं कि हमारी ऐप में जो कोर्स अवेलेबल है वो सारी आईएएस क्वालिफाइड फैकल्टी और गेट के जो टॉप स्कोरर फैकल्टी है उन्हीं के द्वारा गाइड किया जाएगा, ताकि आपको श्योर सलेक्शन मिल सके। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।